जी अभी तक तो नहीं लग रहा कि कोई खतरे की स्थिति दिख है। तीसरे वेव की संभावना यदि डेल्टा वेरिएंट ही रहता है मुख्यतः देश में, तब संभावना कम दिखती है। यदि कोई नया वेरिएंट आता है जो डेल्टा से भी ज़्यादा तेजी से फैलने वाला हुआ, तब एक और वेव आ सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूँ कुमार अभिषेक। आज हम IIT कानपुर में हैं और IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल हमारे साथ हैं। मनिंद्र अग्रवाल वो नाम जिन्होंने कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा रिसर्च किया, इस बात पर रिसर्च किया कि कोरोना की गति पूरे देश में कैसी होगी, किस तरीके से वो फैल सकता है और किस तरीके से कंट्रोल में आएगा। जितने भी प्रेडिक्शन इन्होंने, गणना इन्होंने की, वो लगभग सही होते रहे कि कब कोरोना बढ़ेगा, कब कोरोना कम होगा, किस राज्य में इसकी क्या स्थिति है। इस वक्त हमारे साथ खुद मनिंद्र अग्रवाल हैं जो कि प्रोफेसर IIT कानपुर के कंप्यूटर विभाग में हैं। सर स्वागत है आपका। ये बताइए सर कि इस वक्त कोरोना की स्थिति पूरे देश में दिखाई दे रही है, धीरा थोड़ा थोड़ा बढ़ता दिख रहा है, 4 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, 40 से 50 हज़ार के बीच में प्रतिदिन केस आ रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये खतरे की घंटी है या फिर कहीं हम कंट्रोल की स्थिति में पहुंच रहे हैं? जी अभी तक तो नहीं लग रहा कि कोई खतरे की स्थिति दिख है। इसका नंबर्स ऑफ केसेस मुख्यतः केरल प्रदेश में है, अगर उसको हटा दिया जाए तो बाकी भारत में केस की संख्या अब काफ़ी कम है, 10,000 या उससे भी कम। और जो हमारा मॉडल है सूत्रा, उसके अनुसार ही अभी तक चल रहे हैं बाकी प्रदेश, केवल केरल में संख्या बढ़ी है। और उसका कारण भी स्पष्ट है कि केरल में इम्यूनिटी का स्तर इस समय काफ़ी कम है दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा में। ICMR का सेरो सर्वे जो आया था उसमें निकला था कि जून तक केवल 45% लोग इम्यून थे वहाँ, जबकि प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब 70% से भी अधिक इम्यूनिटी जहाँ पे थी। तो केरल में कुछ समय और लगेगा इम्यूनिटी की स्थिति बढ़ने में, और उसके बाद केरल में भी संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। तो कब तक ये उम्मीद की जाए कि ये जो कोरोना है इस पर काबू पाया जा सकता है इस देश में? क्योंकि अगर केरल की वजह से बढ़ रहा है तो भी देश में खतरे की घंटी तो है ही। हाँ, केरल में मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के बीच में स्थिति काबू में आ जाएगी, और बाकी प्रदेशों में तो काबू में अभी है ही। तो अक्टूबर नवंबर तक स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में होनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि ये जो हम लोगों ने दूसरा वेव देखा, देश ने जो झेला, इसके बाद क्या तीसरे वेव की भी गुंजाइश है? तीसरे वेव की संभावना यदि डेल्टा वेरिएंट ही रहता है मुख्यतः देश में, तब संभावना कम दिखती है। यदि कोई नया वेरिएंट आता है जो डेल्टा से भी ज़्यादा तेजी से फैलने वाला हुआ, तब एक और वेव आ सकती है। और किस प्रकार की आएगी, कहाँ तक उसका पहुँच होगी, ये निर्भर करता है पूर्ण तरह से कि किस प्रकार का वेरिएंट है। क्या वो इम्यूनिटी जो अभी हमारे सब काफ़ी हद तक लोगों में बन गई है, क्या वो इम्यूनिटी उस नए वेरिएंट के लिए कारगर होगी, किस हद तक कारगर होगी, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिसका कि जवाब किसी के पास इस समय नहीं है। सर लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही है, डेल्टा, डेल्टा प्लस, अगर यही तक रहा तो क्या जो हमारा वैक्सीनेशन है या जो हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है उससे माना जाए कि अगर यहीं तक रहता है तो कंट्रोल में रहेगा? हाँ, अगर डेल्टा वेरिएंट ही मुख्यतः रहता है, डेल्टा प्लस या डेल्टा, तब मुझे नहीं दिखता कि आगे कोई बहुत अधिक संख्या बढ़ेगी। महाराष्ट्र में भी कुछ लगातार वेव के बाद वेव हम लोगों ने देखा है। अभी भी महाराष्ट्र में थोड़े बड़े बहुत केस बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक तरीके से खुद को मतलब बचा करके रखा हुआ है कि उनके केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। क्या है इसकी वजह? उत्तर प्रदेश में कुछ उन्होंने जिस प्रकार के स्टेप्स लिए, अभी हम एक डिटेल में स्टडी भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कोरोना पैंडमिक की हैंडलिंग के बारे में, तो उसमें जो कुछ निकल के आया है वो पूरी रिपोर्ट जब पब्लिक होगी तब सब डिटेल्स उसके
सबके सामने ही होंगे, लेकिन कुछ जो मुख्य चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, एक तो लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं लगाया उत्तर प्रदेश ने, जिसको शायद लॉकडाउन कहा ही नहीं बल्कि नाइट कर्फ्यू टाइप का ही लगाया। तो उससे क्या हुआ कि बहुत अधिक रोका नहीं उन्होंने कोरोना को फैलने से, लेकिन नंबरों की जो कंट्रोल फिर भी कर लिया नंबर्स को, तो उससे इम्यूनिटी स्तर बढ़ता रहा उत्तर प्रदेश में। और उसके कारण इस समय हम लोग का अंदाज है कि 75% लोग इम्यून हो चुके हैं, और इस अधिक मात्रा में इम्यूनिटी के वजह से अब आप देखेंगे कि जो डेली केसेस आ रहे हैं वो 25, 30, 40, 50 ही हैं, जबकि महाराष्ट्र में जहाँ पे इस समय इम्यूनिटी 60-65% के बीच में है, वहाँ पे 3-4 हज़ार केसेज आ रहे हैं। तो ये अंतर है। तो क्या ये स्ट्रेटजी ठीक थी कि इसको बहुत ज़्यादा कड़ाई से कंट्रोल नहीं किया? एक स्ट्रेटजी हमें तो दिख रहा है कि इसका काफ़ी कारगर रही। इकोनॉमिक अपने जो उसके लाभ हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन एक ये भी लाभ हुआ कि जैसे केरल में उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल की स्ट्रेटजी अपनाई शुरू से, और उसका उनको लाभ भी हुआ। लेकिन एक नुकसान उसका ये रहता है कि क्योंकि इम्यूनिटी का स्तर बढ़ता नहीं है तो किसी भी समय संख्या बढ़ सकती है। तो सर, क्या जो सबसे ज़्यादा कंसर्न इस वक्त लोगों का है वो थर्ड वेव और बच्चों पर आने वाले असर को लेकर के है? आपकी स्टडी क्या कहती है, जो गणना है वो क्या कहती है? मैंने जैसे कहा कि यदि डेल्टा वेरिएंट ही रहेगा तो अधिक संख्या बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, ये तो मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया इस बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, और उन्होंने जो स्टडीज़ के बारे में बताया है वो ये कि बच्चों में कोरोना काफ़ी फैला है, वो ICMR के सेरो सर्वे में भी आया है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन उनके बहुत कम हुए हैं। इससे ये दिखता है कि बच्चों में एक नेचुरल इम्यूनिटी ऐसी है कि कोरोना का ज़्यादा असर उनमें नहीं होता। तो इस कारण से मुझे लगता है कि बहुत बच्चों की तरफ से चिंता करने की शायद आवश्यकता ना हो। क्या हमको आपको लगता है कि हम लोगों ने इस वायरस के ऊपर जीत पा लिया है, या ये कहना अभी जल्दबाजी? ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये वायरस हम पहली वेव के बाद हमें लग रहा था कि ये वायरस हमने जीत लिया है। किसी ने डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक है वो सोचा नहीं था कि आएगा, और उस समय लग रहा था कि शुरू में कि ये कहीं हमसे गलती हुई, कुछ हमने ठीक से नहीं किया। लेकिन डेल्टा वेरिएंट अब कहीं भी जिस भी देश में जा रहा है वहाँ एकदम एक समझ लीजिए कि चाहे वैक्सीनेशन हो या ना हो, काफ़ी हद तक परेशानी वहाँ पे, जैसे अमेरिका में इस समय हो रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक वेरिएंट था। अब इस वायरस के, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि क्या भविष्य में इस, हम लोगों ने भी क्या डेल्टा ही झेला, हम लोग सेकेंड वेव जी डेल्टा पूरा था हमारा। तो इस हिसाब से हमें फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ डेल्टा के खिलाफ भी इम्यूनिटी है इस समय काफ़ी हद तक, लेकिन यदि कोई नया म्यूटेंट आता है तो स्थिति बदल सकती है। सर, केरल के अलावा कौन से ऐसे दूसरे राज्य हैं जो आपको लगता है जो कि कोरोना को लेकर जिन पर नज़र रखनी पड़ेगी, वहाँ पर ये मामले बढ़ सकते हैं? कुछ उत्तर पूर्व के राज्य हैं जैसे मणिपुर, मेघालय भी शायद, जहाँ पे इंडिकेशंस हैं कि इम्यूनिटी लेवल कम है, और जहाँ भी इम्यूनिटी लेवल कम है वहाँ निगरानी रखने की आवश्यकता बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ संख्या किसी भी समय थोड़ी भी कहीं वायरस कोई नई जगह पहुँच गया तो अचानक से बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में हम लोग को पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं तो 50 के नीचे है, कई बार तो 20 के नीचे, 18-19, मतलब 23 करोड़ की आबादी में अगर 20 केस आ रहे हैं, 25 केस आ रहे हों या 50 भी केस आ रहे हों, तो ये तो एकदम से ख़त्म होने वाली स्थिति है जैसा कि अभी तक दिख रहा है। तो क्या ये सचमुच ये डेटा सही है आपको लगता है, या कुछ आपको लगता है कि डेटा में कहीं कुछ गड़बड़ी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हर दिन 2 लाख 2.5 लाख के आसपास आज भी टेस्ट होते हैं, कम से कम 1.5 लाख तो हो रहे हैं, और केसेज आ रहे हैं सिर्फ 20-25 ऐसे। तो इसमें
आप चूंकि आप खुद एनालिस्ट हैं, खुद आपने डेटा इतना एनालाइज किया है, तो इस डेटा को आप क्या समझते हैं, ये ठीक है या नहीं? देखिए, डेटा जो रिपोर्ट होता है पॉजिटिव केसेस का, वो टोटल केसेस नहीं होते, कहीं नहीं है, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि बहुत सारे इसके जो केसेस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो कि स्वयं व्यक्ति को ही नहीं पता चलता जिसको इन्फेक्शन है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो आता है चला जाता है, किसी को नहीं पता चलता, तो ऐसे केस कभी डिटेक्ट हो ही नहीं सकते। तो यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। तो जैसे 20 केस यदि रिपोर्ट हो रहे हैं तो वास्तविक संख्या केसों की इससे कहीं अधिक होगी, लेकिन वो अधिकतर असिम्प्टोमेटिक हैं जिसके बारे में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता किसी को नहीं है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब स्थिति जो है, यदि डेल्टा वेरिएंट रहता है तो ये एंडेमिक स्टेज पे आ गया है। एंडेमिक स्टेज मतलब कि अब ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, ऐसे ही थोड़े बहुत नंबर चलते रहेंगे। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही कि आज अगर इस लेवल पर है कि बिल्कुल नगण्य है, तो ये इसकी वजह क्या है और इसका श्रेय किसको जाएगा? इसकी वजह, जैसे मैंने बताया कि कुछ पॉलिसी डिसीजंस उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लिए वो काफ़ी अच्छे साबित हुए। एक दो हफ्ते का समय था अप्रैल एंड मई बिगिनिंग में, जब संख्या काफ़ी अधिक थी, हॉस्पिटल्स वगैरह में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी कंट्रोल में आ गया और वायरस के लगभग पूरे प्रदेश में फैले होने के बावजूद आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, और ये पहली एक अच्छी चीज़ हुई। और दूसरा, वायरस क्योंकि सब जगह फैल गया तो इम्यूनिटी लाती गई तेज़ी से, और उसका फ़ायदा अब हमें दिख रहा है कि क्योंकि इतने अधिक संख्या में लोग इम्यून हो चुके हैं कि अब एंडेमिक स्टेज पे और हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज जिसको कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, वो आ चुकी है, और इसके बाद आप इसी प्रकार के नंबर दिखते रहेंगे। तो जो भी मेरे ख्याल से इसका श्रेय अगर आप देना चाहें तो जितने एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें शामिल रहे, डॉक्टर्स नर्सेज जो बहुत बड़े जो हमें दिख रहा है कि अच्छा काम किया, गांव-गांव में निगरानी समितियों ने बहुत अच्छे से कंट्रोल, बहुत जो भी लोकल लेवल पे दवा देने का या मॉनिटरिंग करने का काम सब किया गया, और बड़े स्तर पे हर एक इतने सारे गांव हैं प्रदेश में, सब जगह किया गया। आपके डेटा के हिसाब से निगरानी समितियां गांव-गांव पहुंची, क्या वहां तक ये लोग सफल रहे निगरानी समिति? जी, हर गांव में अपनी निगरानी समिति कई दो सालों से करीब बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, 2 या 3 साल हो गए, और उनका जो काम सब ने कोरोना के लिए, सबके पास कोरोना के लिए बेसिक दवाइयां थी, सब ने जरा सा भी किसी को सिम्टम दिखते ही दवाइयां दे देते थे, उनको आइसोलेशन एडवाइस करते थे, तो उसकी वजह से गांव में बहुत तेजी से, जो एक डर था कि इतने सारे प्रदेश में गांव हैं जहां पे इतने सारे लोग रहते हैं तो उनमें हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं है तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। सर, सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसी स्थिति में रहा या आपको लगता है कि देश के और भी प्रांत हैं जहां पे कि अब कोरोना बहुत कम है तो उनकी भी स्थिति बेहतर है? जी हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश ने अच्छा किया, लेकिन और भी प्रांत हैं जिन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किया, और अगर आप पूरे भारत के स्तर पे देखें तो इतने बड़े देश में केसेस की संख्या बहुत अधिक नहीं पड़ी। फिर वही कहूँगा कि कुछ दो हफ्ते का समय था जब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जहाँ हमारे रिसोर्सेज भी उतने अच्छे नहीं हैं, अभी आप अमेरिका जैसे बड़े देश से अगर आप देखें जिनको कि वर्ल्ड की सुपर पावर है, इतने अधिक रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हैं वो लोग, लेकिन वहाँ भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अमेरिका में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इतना जब संख्या डेल्टा वेरिएंट की इतनी तेज़ी से ये फैलता है और
मरीजों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि कोई भी हेल्थ सिस्टम जो है वो उसको संभाल नहीं पाता। तो क्या वहाँ इम्यूनाइजेशन को वो सरपास कर रहा है डेल्टा के, क्योंकि वहाँ भी तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन वहाँ हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में 50% के आसपास शायद वहाँ वैक्सीनेशन है इस समय। और वहाँ पर जो वैक्सीन है मॉडर्ना और एक दूसरी वैक्सीन है फाइज़र, उनके बारे में जो स्टडीज़ आ रही हैं कि वो डेल्टा वेरिएंट उनको बाईपास कर रहा है काफ़ी हद तक। तो वैक्सीन वो वाली शायद उतनी इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए वो लोग अब बूस्टर डोज देने की शुरू प्रयास शुरू कर दिया है सब जगह। अच्छा, वैक्सीन के बारे में सवाल करूँ आपसे, हालांकि वो वायरोलॉजिस्ट अगर होते तो ज़्यादा बेहतर थे, फिर भी आप लगातार इससे जुड़े हैं। क्या यहाँ की इंडियन वैक्सीन जो है आपको लग रहा है डेटा के हिसाब से कि वो कारगर है? क्योंकि अगर एक चीज़ जिसको अगर आप श्रेय देना चाहें भारत में इस पूरे कोरोना संक्रमण काल में हमको बचाने का, वो ये हमारी दो वैक्सीन्स है। अगर भारत में ये दोनों वैक्सीन नहीं बनती तो समझ लीजिए कि इस समय हमारी स्थिति बहुत ही बुरी होती, वैक्सीन हमको उपलब्ध नहीं होती, और जो हम वैक्सीन लेके भी आते हैं उसके लिए हमें इतना अधिक मॉनिटरी पेमेंट करना होता कि बहुत सरकार के लिए, लोगों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होती। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन तो पूरी तरीके से भारत में ही डेवलप हुई और बन रही है। कोविशील्ड हालांकि यूके में हुई लेकिन उसका पूरा प्रोडक्शन अधिकतर भारत में है, तो वो सभी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतनी तेज़ी से और इतनी अच्छी वैक्सीन बनाई जो कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी अच्छी इम्यूनिटी दे रही हैं, और विशेष रूप से हॉस्पिटलाइजेशन तो लगभग ना के बराबर हुआ। यदि आपको वैक्सीन है लगी है तो आपका इन्फेक्शन होता भी है तो हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना बहुत ही कम है। सर, अब आखिरी सवाल आपसे कि फिर से कि हम लोगों ने देखा कि जिस दौर में कोरोना अपने भयावह स्तर पर था, तो आपसे लगातार जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने टाइम फ्रेम बताते रह गए आपकी, हाँ इस वक्त तक कितना जाएगा, पीक आएगा, अब इसका स्लो डाउन शुरू होगा, अभी ये धीरे धीरे कम होगा। आने वाले महीनों में क्या किसी तरह की कोई बढ़ोतरी, क्या आपके उस ग्राफ में कोई ऊपर नीचे दिखाई देता है? ग्राफ देख जो दिख रहा है वो लगभग इसी स्तर पर दिख रहा है, धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। लेकिन वही है, इसके साथ जो एक हमेशा कंडीशन लगी रही है कि यदि डेल्टा वेरिएंट ही मुख्यतः रहता है तब हम संख्या जो इस समय है 40-50 हज़ार, धीरे धीरे इसकी संख्या कम होती है। कब तक रहेगी ये 40-50 हज़ार? 15 दिन, 1 महीने रहेगी फिर, और जैसे ये पूरा केरल पर निर्भर करता है, जैसे केरल की संख्या कम होगी भारत की संख्या कम होगी। केरल 32 हज़ार, भारत 42 हज़ार, तो बस 10 हज़ार का ही अंतर है। तो जैसे केरल गिरेगा वैसे ही भारत की संख्या गिरेगी। तो एक अधिकतर 1 महीना से अधिक मुझे नहीं लगता कि लगना चाहिए संख्या 42 हज़ार से 30 से 35 हज़ार तक पहुंचने में, और फिर एक महीने में कितनी संख्या अगर रहती है तो हम मान लें कि अब कोरोना जो है वो बिल्कुल अब फ्लैट, 20 हज़ार से कम यदि आ जाता है हमारा रोज का केस भारत में तो फिर और वैसे ही रहता है स्तर, तो हम मान सकते हैं कि अब हम एंडेमिक स्टेज में आ गए हैं इस पैंडेमिक के। एंडेमिक स्टेज का तात्पर्य ये कि अब एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया है, उतने ही केसेस अब लगातार बने रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मनिंद अग्रवाल। लगातार जब से कोरोना का संकट शुरू हुआ तब से इसके डेटा को एनालाइज करते रहे, रिपोर्ट्स बनाते रहे, लगातार ये कहते रहे कि कोरोना कब ऊपर जाएगा, कोरोना कब पीक पर आएगा, कोरोना कब कम होगा। एक अच्छी बात ये कि अगर ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट ही रहता है देश में तो शायद हम कोरोना से जंग जीतने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और आज जो 40,000 के आसपास के केस आ रहे हैं, अगर वो 20,000 तक आ जाते हैं जैसे ही केरल कम होगा, तो भी हम लगभग कोरोना पर जीत दर्ज कर चुके होंगे। लेकिन सबकी निगाहें बस इस पर हैं कि कोई नया वेरिएंट ना आ जाए। कुमार अभिषेक, कानपुर।